हेलो बच्चों, माय सेल्फ रविकांत मौर्य, आरएमपी सर। बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिकली मैक्सिमा मिनिमा के बारे में। जनरली होता है क्या बच्चों कि जब भी मेडिकल वाले बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ और इंजीनियरिंग वाले बच्चों को भी, तो उनको इनिशियल फीलिंग नहीं आ पाती है मैक्सिमा मिनिमा की। फिजिक्स में कैसे यूज करें, तो मैं कोशिश करूंगा कि उनको समझाऊं क्लैरिटी क्या है मैक्सिमा मिनिमा का। वो समझाने के लिए तो मैं सोचूंगा, कोशिश करूंगा कि लेमन लैंग्वेज समझा पाऊँ, ताकि अगर वो 11th का बच्चा बिल्कुल स्टार्टिंग से ही पढ़ रहा हो तो उसे भी आ जाए। आओ शुरुआत करते हैं बिना कोई टाइम पास के, ठीक है? लेट्स से बच्चों कि मैं फॉर्मेलिटी कर देता हूं, ले स्ट्रोक लिख के। पढ़ाना तो अपन को मैक्सिमा मिनिमा ही है, कम समय में ज्यादा इंफॉर्मेशन देने की पूरी कोशिश रहेगी अपन की, बिना कोई टाइम पास किए। हम ये नहीं बोलने जाएंगे लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। शुरू हो जाऊंगा। वाई और एक्स है, देख ये तेरा क्या है। मान ले रंग चेंज करे अपन, चेंज कर, ध्यान से देख ये लाइन है ना। तो मैं तुमसे पूछता हूँ भैया, भाई साहब, इस L1 लाइन का, L1 लाइन का स्लोप क्या होगा? मान लो मुझसे कोई पूछा, एनीबॉडी, एक्स बंदा पूछता है, मैं तुरंत रिप्लाई क्या आएगा तुझे पता है? भाई साहब, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लाइन ने जो एंगल बनाया है उसका टेंजेंट लीजिए स्लोप पर। स्लोप पाइए, ओवर, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। स्लोप क्या आएगा बेटा? ले ले ले, स्लोप आ गया। स्लोप कहने का मतलब क्या है? कौन लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितनी इंक्लाइंड है, वो स्लोप बताएगा। जैसे मैं तुमसे कहूं एक बेसिक आइडिया कि अब मैं तुमसे बोलूं कि बेटा इफ फॉर, थोड़ा सा एक बात और जानकारी देना जी, ये 0 डिग्री था, ये जल्दी से 90 था, ये तेजी से 180 था, ये जल्दी से 270 था, ये जल्दी से 90 था, और ये जल्दी से 90 रोड पे आ गया। अब मैं तुमसे बोलूं यहाँ पे कौन कौन पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, कॉस और टैन। यहाँ पे कौन पॉजिटिव? साइन, यहाँ पे टैन, यहाँ पे कॉस। ओके, तो मैं तुमसे कहूंगा बेटा इफ थीटा ग्रेटर देन 90, इसका मतलब हम सेकंड क्वाड्रेंट पहुंचे गए। इफ थीटा लेस देन 90, हम किसमें हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, खूबसूरती के साथ है, ठीक है? तो मैं तुमसे कहूंगा साइन सेकंड क्वाड्रेंट में बेटिया, बेटा टेन इज नेगेटिव, काम खत्म। तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि इस यहां पर स्लोप क्या होगा इस बिंदु पर, तुम क्या बोलोगे? स्लोप तुम्हारा लेस देन 0। यहां पे क्या बोलोगे? स्लोप तुम्हारा ग्रेटर देन 0। क्लियर? आ जाओ, रंग रंग चेंज किया जाए और टाइम पास हो जाए, ठीक है? तो अब मैं तुमसे बोलूंगा जल्दी से एग्जांपल कराते हैं। ए ये जे जे, ये जल्दी से कराते हैं। ये बोलूंगा वाई, इसको बोलूंगा एक्स, इसको बोलूंगा वाई, इसको बोलूंगा एक्स, मैं जल्दी से बोलूंगा ये, जल्दी से बोलूंगा ये, जल्दी से बोलूंगा ये, जल्दी से बोलूंगा जी, जल्दी से बोलूंगा ये थीटा वन, एल वन, थीटा टू, पॉजिटिव एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एल टू, एल थ्री, थीटा थ्री, एल फोर, थीटा फोर। कमेंट करो, कमेंट करना वीडियो पॉज करके, क्या है स्लोप एल वन के लिए, स्लोप क्या होगा? सिंपल, टेन थीटा वन, थीटा लेस, थीटा वन इज लेस देन 90, तेजी से पॉजिटिव। L2, तेजी से थीटा 2 इज ग्रेटर देन 90, स्लोप तेजी से नेगेटिव। L3, L3 भाई सुबह से क्लास में थक गया। L3 क्या हुआ तुम्हारा? स्लोप थीटा 3 लेस देन 0, लेस देन, लेस देन 90, इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे? स्लोप पॉजिटिव। L4, स्लोप थीटा 3 ग्रेटर देन 90, स्लोप ओवर।
तो हमारा स्लोप ऑफ लाइन हो गया, ठीक है। अब हम लोग चर्चा करते हैं स्लोप ऑफ कर्व, स्क्रीनशॉट लेके अपन आगे बढ़ते हैं। ये हमारा ऐसा सिस्टम है, ये सीन ऐसे है, ये वाई है भाई, ये एक्स है, ये वाई है एक्स है, तो इसको बोलेंगे वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। चोरी से और समझा देता हूं बिना किसी को बताए, अगर ये एक्स है, ये टी है, ये क्वीन ले टू को, तो बोले एक टाइप को बना रहे ले एक्स इज अ फंक्शन ऑफ टी, ले ये वी है, ये टी है, वी इज अ फंक्शन ऑफ टी। अब ध्यान से देख, इस कर्व का स्लोप लगातार हर बिंदु पर चेंज हो रहा। मैं तुमको तुरंत बता देता हूं बिना टाइम वेस्ट किए किसका हम स्लोप कैसे निकालते हैं। इसका स्लोप निकालने का दो तरीका, एक ज्योमेट्रिकल मेथड और एक कैलकुलस। टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, हमको मैक्सिमम इनमें सिखा, इसी से पढ़े देंगे तो जिंदगी बर्बाद है। ज्योमेट्रिकल मेथड क्या, लेट अस सपोज तुमको क्या करना है बेटा, इस ए पॉइंट पर स्लोप निकालना है। आंख बंद करोगे ज्योमेट्रिकल मेथड निकालने के लिए, टेंजेंट ड्रॉ करोगे, एंगल निकालोगे, टाइम पास हो जाएगा। तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल मेथड आया है कितना, स्लोप एट ए इक्वल्स टू टेन ऑफ थीटा। इसका एग्जांपल भी करा दूंगा। कैलकुलस मेथड क्या है, इस एक्स वन पे निकालना है स्लोप क्या है, तुम कुछ नहीं करोगे, वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स है, इसको डिफरेंशिएट करोगे एक्स के रिस्पेक्ट, डिफरेंशिएट वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो जो तुम्हारा आएगा ये आ गया। इसको भी हम लोग बोलते हैं बेटा स्लोप, इसको भी क्या बोलते हैं स्लोप, और पढ़ते कैसे बेटा इसको, वेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर पंडा, क्लियर तो आगे बढ़े। अबे तुमको फील नहीं आया वो अच्छे से बता, फील लाने के काम तरीका है ना मेरे पास। आवा देखा, सब लोग बचपन से जानते होंगे, बहुत ही फेमस बात, एक फेमस बात देखोगे, ये खूबसूरत हमारा क्या है, बहुत फेमस है, अत्यधिक फेमस। टीम हम ध्यान से देखिए तो ये 90 है, ये कितना है 180 है, ये 270 है, 360 है, नो टाइम वेस्ट मत करो। ये क्या है, वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स है, तो वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स है मेरे बेटा है क्या, कौन सा कर्व है, तो वाई इज साइन एक्स है भाई, मुझे बताना है, बताओ स्लोप एट एक्स बराबर 90 डिग्री। दो मेथड, पहला ज्योमेट्रिकल मेथड, दूसरा जल्दी करते हैं 10-15 मिनट के अंदर मुझे खत्म करना है। तो ज्योमेट्रिकल मेथड में क्या है मुन्ना, कलर चेंज करते हैं कि ये ले, तूने टेंजेंट ड्रॉ करा बेटा, तो टेंजेंट ड्रॉ किए तो देख ना, वो जो लाइन है ना, वो लाइन वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 0 डिग्री बना रहा है, तो वहां पे स्लोप कितना आएगा बेटा, टेन ऑफ जीरो। जब टेन ऑफ जीरो आया तो वो जीरो हो गया। ये टाइम पास मेथड है, ऐसा नहीं थोड़ी ना कि हम हमेशा कर पाएंगे, ठीक है। तो एक अच्छा मेथड क्या है, दूसरा मेथड कैलकुलस मेथड, आओ इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं। कैलकुलस मेथड y इज साइन एक्स है, तो चुपचाप डिफरेंशिएट कर, ये तेरा स्लोप आया। अब तू क्या बोलेगा, dy by dx = sin x, और sin x क्या होता है बेटे, cos x। तुझे स्लोप चाहिए ना, किस जगह में चाहिए बता, dy by dx किस जगह में चाहिए, x बराबर 90, तो तू रख यहां पे x बराबर 90, हाथ बंद कर दे 0, तो बता तेरा ये सही है कि ये सही है। मैं बताऊंगा दोनों सही है, 2 + 9 = 2 सही है, ओवर, समझा। तो कर्व का स्लोप हम dy by dx से निकालेंगे। इसी के साथ हम स्क्रीनशॉट लेके आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आओ मैक्सिमम मिनिमम फोकस करते हैं, जल्दी से कटोरी बनाओ। तो बोलेगा तो मैं सीधा कटोरी बनाया, मैं ये नहीं कहता ये पैराबोला नहीं है, मैं बोलता हूँ ये कटोरी है, ठीक है। अब मैं तुमसे कहता हूँ ये बिंदु, तीन बिंदु देता हूं बिना कोई टाइम पास किए, ठीक है। मैं
कोशिश करता हूं तुमको समझाने का बाई ज्योमेट्रिकल मेथड। और फिर इसको क्लब कर दूंगा कैलकुलस वाले के साथ, मजा आ जाएगा। चलो फ्रॉ 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 फटा सॉरी फटा फट फटा फट। ये एंगल तुम ध्यान से देखो, ये एंगल तुम ध्यान से देखो, तो ये कितना तुम्हारा कुछ मोर और लेस क्या होगा तुम्हारा कितना थोड़ा सुंदर लेता हूँ 127 ले लेता हूँ तो 53 आ जाएगा 127। ये तुम्हारा कितना एंगल है, इसको ले लेता हूँ कितना मैं 53। जो भी कह लो कुछ भी ले लो कोई इशू नहीं है ना, प्लीज शर्माने वाली बात नहीं है। तो मैं देखता हूँ क्या, मैं एक्स मैं ऐसे जाता हूँ ना, इसका मतलब एक्स लगातार चेंज हो रहा। आओ ए पर स्लोप देखें, ए पर स्लोप है ट्री, रंग चेंज करता हूं थोड़ा सा तो सुंदर भी आएगा। टेन ऑफ 127 तो 127 सेकंड क्वार्टर नेगेटिव, टेन 90 पे चेंज मांगता है 37 मुरली 90 कॉट 37 ध्यान दो कॉट 37 कितना होगा, टेन 37 3/4 कॉट 37 4/3 ले ओवर स्लोप एट बी 10 0 चुपचाप 0 सी जल्दी जल्दी करो स्लोप एट सी क्या आएगा 10 ऑफ 53 चुपचाप बोलो 4/3 10 53 10 10 4/3 तो हो गया 10 37 3/4 होता है ठीक है कदम। तो क्या हो गया तुम्हारा, तुमने देखा क्या जब हम ए से सी चल रहे हैं तो स्लोप ए से बी बी से सी स्लोप स्लोप ध्यान से देखो भूल गया मैं तुरंत भूल जाता हूँ -4/3 0/4/3 -4/3 0/4/3 -1.33 0/1.3 स्लोप कंटिन्यूअसली कंटिन्यू एन यू ओ एस एल वाई कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। इंग्लिश में ध्यान कर देना सब बच्चों को पता है मेरी इंग्लिश कैसी ठीक है। पहली बात तो स्लोप कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, इसका मतलब क्या हो रहा है बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप विद रेस्पेक्ट टू एक्स इज इंक्रीजिंग। क्लियर, राइटिंग सुनाना पड़ेगी बच्चे लोग बहुत बोलते हैं राइटिंग सर आपसे आइए। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप रेट ऑफ चेंज विद रेस्पेक्ट टू डी बाई डी एक्स हो गया और ये स्लोप है। अब कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग मतलब क्या, ग्रेटर देन जीरो, कोई भी चीज लगातार बढ़ रही है तो उसका उसका रेट पॉजिटिव है। अच्छा स्लोप क्या होता है बेटा, dy by dx फॉर कर्व के लिए, तो यहां भी क्या है d2y by dx स्क्वायर तुम्हारा क्या आएगा ग्रेटर देन जीरो ठीक है, ये तुम्हारा dx स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो आ गया। तो ध्यान से देखो फॉर इंक्रीजिंग स्लोप के लिए, इंक्रीजिंग स्लोप के तुम्हारा कितना आएगा d2y by dx स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो। अच्छा मुझे बताओ यहां पर जो किसी x पर यहां जो y की वैल्यू निकलेगी क्या है आपकी मिनिमम निकलेगी, जो हमारा कर्व देखा है कर्व यहां पे सबसे नीचे नीचे यहां पर सबसे मिनिमम वैल्यू आएगी। इसका मतलब तुमने क्या देखा, अगर ऐसी कभी घटना होती है अगर कभी d2y by dx square less than 0 होता है तो तुम्हारा जो फंक्शन क्या होगा, फंक्शन विल अचीव अचीव मिनिमम वैल्यू ठीक है। अब वह मिनिमम वैल्यू निकालना है, माना कि अब ठीक है मिनिमम वैल्यू अचीव करेगा लेकिन वह मिनिमम वैल्यू है कितनी वह भी कैलकुलेट करना है मुझे। तो चुपचाप मुझे एक बात बताओ, एट पॉइंट बी एट मिनिमम वैल्यू कैलकुलेशन एट बी बेटा स्लोप क्या है डी वाई बाई डी एक्स जो कितना है जीरो, कुल मिला के वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स को एक बार डिफ्रेंशिएट करो
और जीरो के बराबर कर दो, गेम इज ओवर। ठीक है, तुमने क्या देखा बेटा कि मिनिमा पाने के लिए दो बार डिफरेंशिएट करिए, और अगर वो दो बार डिफरेंशिएट करने के बाद ग्रेटर देन जीरो आता तो क्या होगा, फंक्शन अपने मिनिमम में अचीव वैल्यू अचीव करेगा। वो पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें चुपचाप एक बार डिफरेंशिएट करके उसको जीरो बराबर करना पड़ेगा। चलो इसका स्क्रीनशॉट लेके हम आगे बढ़ते हैं। लेट्स से अब दूसरा एग्जांपल ले लें बिना टाइम पास किए, थोड़ा सा लेंदी जा रहा है वीडियो यार, तो दिक्कत है जी, अब तेज करूंगा। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बच्चा बर्दाश्त नहीं कर पाता है ना, किसी को नहीं पता, खुद को नहीं बर्दाश्त करता बच्चा। ए ये साइन और ये साइन, जल्दीबाजी बोलूंगा, ये 53 जीरो, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपन, ये 127 हुई, कुछ भी ले लो या 37 ले लो ओवर। अगर तुम एज वी मूव फ्रॉम एज वी, वही रिपीट टेलीकास्ट, एज वी मूव फ्रॉम ए टू बी टू सी, जीरो डिग्री है ना इसका एंगल, ये एंगल ध्यान से, तो हमारा क्या होगा स्लोप, क्या होगा ए पर, बिठाता हूं यार सुखा सब ऐसे लेते हैं, यहां क्या होगा बेटे टेन 37, टेन जीरो, टेन 127, ये तुम्हारा स्लोप आया। तो ध्यान से टेन 37 थ्री बाई फोर जीरो, टेन 127 माइनस ऑफ टेन 90 प्लस 37, तो 3 बाई 4 0 माइनस कॉट 37 घटी, तो कॉट 37 के कारण टेन 37 माइनस 4 बाई 3 कुछ भी ले लें, कॉट 37 तो भी देखो क्या है 0.75 से 0 से माइनस 1.2, इसका मतलब स्लोप क्या हो रहा है बेटा, एज वी देखो हम लोग इधर जा रहे हैं ना, एक्स जैसे से आगे बढ़ रहे हैं, हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं हमारा स्लोप लगातार कट रहा है। एज वी मूव अवर स्लोप डिक्रीजेस, तो रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ स्लोप लेस देन जीरो, तो क्या आएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कितना आएगा बेटे, लेस देन जीरो। अच्छा ये तो सर बोलोगे यार कि ठीक है इस या तो क्लियर हो गया, लेकिन कहना क्या चाह रहे हो, मैं बोलूंगा बेटा तुम इस पूरे फंक्शन में देखो इस पॉइंट पे एक्स वन पे वाई जो है अपनी मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर रहा है, मैक्सिमम वाई मैक्स अचीव कर रहा है, और ऐसा कब हो रहा है जब डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज लेस देन जीरो, देन एक बार ऐसा होगा कि वाई अचीव इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो यार सर हम मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे कैसे, तो बेटा तुम एक बात देखो ना यार, यहां पे स्लोप जीरो है ना, यही तो साला स्लोप होता है डी वाई बाई डी एक्स स्लोप, तुम्हें क्या करना है, स्लोप क्या होता है बेटा, स्लोप इज टेन जीरो एंड इक्वल्स जीरो, दिस इज ज्योमेट्रिकल मेथड, और कैलकुलस मेथड क्या कहता है बेटा कि स्लोप इक्वल्स टू कितना डीवाई बाई डी एक्स, तुमने क्या देखा कंपेयरिंग वन एंड टू, थोड़ा सा बुकिश लैंग्वेज कर दे रहा हूं, तो डीवाई बाई डी एक्स तुम्हारा कितना आया इक्वल्स टू जीरो, तो तुमको वाई में वाई मैक्सिमम निकालना है, नोट पंच लाइन वाई मैक्स कैलकुलेट करना है, तो अगर दो बार डिफरेंशिएट करो और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लेस देन जीरो आया तो वाई मैक्सिमम वैल्यू अचीव करेगा, और वो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे बेटे,
हम निकालने में चुपचाप क्या करेंगे, डी वाई मैक्सिमम निकालने का क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स को जीरो के बराबर कर, ओवर, गेम ओवर हो चुका है, गेम ओवर हो चुका है मेरे भाई, ठीक है। यहाँ तक इसके स्क्रीनशॉट ले लो, मैं एक एग्जांपल करके दिखा देता हूँ। अब प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन करता हूँ, फिजिक्स में बात करें प्रोजेक्टाइल क्वेश्चन, वाई इक्वल टू फोर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर ध्यान से देखो, मैं तुमको फील करा दे रहा हूँ, मैं तुमसे बोलूंगा बेटा ये बताओ, ये इसका एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट नेगेटिव है, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट अगर नेगेटिव है तो जाहिर सी बात है पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड बनेगा, पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड बनेगा और वाई जीरो पुट किए तो फोर माइनस एक्स और एक्स, एक्स बराबर वाई जीरो कब कब है, वाई बराबर जीरो कब है, एक्स बराबर जीरो पे और एक्स बराबर फोर पे। और फील करते हैं, लेट्स फील, लेट्स फील, ये वाई है ये एक्स है, देखो कटोरी ऐसे बन गई, खूबसूरत कटोरी बनी, ये जीरो कॉमा जीरो है, फोर कॉमा जीरो है, तो मुझे निकालना है यार ये, तो ये निकालना है, ये वाई मैक्स है ना, चुपचाप फंक्शन है, y is a function of x, कितना है 4x minus x square, differentiate करो, 4 minus 2x, एक बार और करो, पता करने के लिए मैक्सिमा की मिनिमा, 0 minus 2, इसका मतलब less than 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है ये, y will achieve its maximum value, time जा रहा है, ठीक है, y will achieve its maximum value, what is the value of y, तो एक बार d by by ds को डिफरेंशिएट कर 0 के बराबर करो तो 4 minus 2x equals to 0, जिससे x की वैल्यू 2 मीटर पे आई, मेरे कहने का मतलब क्या है कि x बराबर 2 मीटर पर y अपनी मैक्सिमम वैल्यू अचीव करेगा भाई साहब। अब वो वैल्यू होगी कितनी भाई, y मैक्स इतनी होगी, पुट कर दो y का फंक्शन ऑफ x में, 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 8 माइनस 4 बराबर 4 मीटर, खत्म, दोबारा y मैक्स आ गया, क्लियर। एक एक थोड़ा सा एक लास्ट, बस लास्ट करा के आगे बढ़ जाते फटाफट से, जल्दी 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 जल्दी, इलेक्ट्रॉन का सवाल है, मैंने बोला कि एक पॉइंट चार्ज कैपिटल Q, इसको टू पार्ट्स में कैसे ब्रेक करें कि इनमें लगा हुआ फोर्स, हुआ फोर्स मैक्सिमम हो, कीपिंग डिस्टेंस फिक्स, फटाफट कर लेते बेटा, फटाफट से जल्दी से, 23 मिनट हो गया, जल्दी करना है बेटा, सपोज इसको दो पार्ट में तोड़े, एक क्यू में तोड़े, एक कौन सा बच गया बेटे, क्यू माइनस क्यू, इसको दो हिस्सों में तोड़ लिए, एक क्यू हो गया, एक क्यू माइनस क्यू, इसका दूरी हमने क्या किया फिक्स कर दिया आर नॉट, इसमें कूलाम का नियम क्या बोलता है, के क्यू इंटू क्यू माइनस क्यू का ले, अच्छा फोर्स किसका फंक्शन है, मेरा कि आपका कि दुनिया का, ना 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 ना, वो फोर्स किसका फंक्शन है, क्यू का, अब तुमको फोर्स मैक्सिमम चाहिए, फॉर फोर्स टू बी मैक्सिमम, तो हम क्या करेंगे चुपचाप डिफरेंशिएट करेंगे, किस किसका फंक्शन है, क्यू का, तो चुपचाप डी बाई डी क्यू करेंगे, तो इसकी मशीन चलेगी डी बाई डी क्यू की, के क्यू क्यू माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन आर नॉट का होल स्क्वायर, मशीन चली अंदर गई, ये कसम कॉन्स्टेंट बाहर आया भाई, डी बाई डी क्यू ऑफ क्यू क्यू माइनस डी बाई डी क्यू ऑफ क्यू स्क्वायर, थक गया यार, डी एफ बाई डी क्यू, अब देखो ध्यान से इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा भाई, क्यू इसका कितना आएगा, टू क्यू, क्यू क्वेश्चन बाहर उछल के आएगा ना रे, तो क्या होगा बेटा, अब फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, चाहे मैक्सिमा और मिनिमा हो दोनों ही केसेस में, केसों में डी एफ डी चुपचाप क्या करता है, जीरो के बराबर तो कर दो, ये सन्नाटा होगा, बोले इधर जाएगा, कितना आएगा बेटे, क्यू माइनस टू क्यू इक्वल टू जीरो, क्यू कितना है, क्यू बेटा, इसका मतलब क्यू को हम q by 2 और q by 2 में तोड़ेंगे, तो किसी फिक्स डिस्टेंस पर
मैक्सिमम फोर्स आएगा। बोलो यस और नो, आना तो बोलो भाई, आया कि नहीं आया? ओके चलो, थैंक यू सो मच, थक गया हूँ, बाय।